कुछ भी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, पूरे देश के युवाओं में एक नई ताकत, एक नया जोश संचार कर रहे हैं। मेरा सौभाग्य कि हम भी आपसे बात कर रहे हैं। ये तो सौभाग्य जितेंद्र का है, जानता है। जब सुपर 30 का नाम आता है तो तुरंत सर्च पहले आपको किया जाता है कि आनंद कुमार साहब कैसे होंगे, जो आज पूरा देश विदेश बच्चा बच्चा पे तहलका मचाए हुए, दिलो दिमाग पे छाया है कि सुपर 30 कैसा होगा। सर सुपर 30 जब से मोबी भी आई है, इससे पहले आखिर सुपर 30 ही क्यों? इसलिए क्योंकि कोई भी आदमी को, हमको भी आपकी तरह दिखाना था कि आपके पास सीमित साधन है, सुविधाएं नहीं है, फिर भी बगैर चंदा लिए हुए अपने पारिवारिक सहयोग से, भाई के सहयोग से कैसे आप एक मॉडल दिखा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज गजब हो गया। कभी मैं टीवी में देखा करता था और आज हमारे पास सर हैं। सुपर 30 का जब से ही नाम आता है पूरा देश विदेश हाहाकार मच जाता है। आप भी जानते हैं ऋतिक रोशन जी उसके किरदार निभाए, लेकिन आज ओरिजिनल ऋतिक रोशन से हमारी मुलाकात हो गई है और आप पहचान क्या बताऊं। पहले तो सर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस से। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं और लोग तो धारा के साथ बह नहीं पाते हैं जी, जीवन में कहीं पहुँच नहीं पाते। आप तो धारा के विरुद्ध हवा का रुख बदलते हुए लोगों के साथ उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि अगर आप में चाहत है, आप में दृढ़ इच्छा शक्ति है तो कुछ भी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, पूरे देश के युवाओं में एक नई ताकत, एक नया जोश संचार कर रहे हैं। मेरा सौभाग्य कि हम भी आपसे बात कर रहे हैं। ये तो सौभाग्य जितेंद्र का है सर, आपको कौन नहीं जानता है। जब सुपर 30 का नाम आता है तो तुरंत सर्च पहले आपको किया जाता है कि आनंद कुमार साहब कैसे होंगे, जो आज पूरा देश विदेश बच्चा बच्चा पे तहलका मचाए हुए, दिलो दिमाग पे छाया है कि सुपर 30 कैसा होगा। सर सुपर 30 जब से मोबी भी आई है, इससे पहले आखिर सुपर 30 ही क्यों? सुपर 30 इसलिए क्योंकि कोई भी आदमी को, हमको भी आपकी तरह दिखाना था कि आपके पास सीमित साधन है, सुविधाएं नहीं है, फिर भी बगैर चंदा लिए हुए अपने पारिवारिक सहयोग से, भाई के सहयोग से कैसे आप एक मॉडल दिखा सकते हैं जो कि सक्सेसफुल हो। इसलिए 30 बच्चों को लेकर हमने चलाया, 30 बच्चे से। और उसमें भी मैंने सुना है सर कि बहुत गरीब, जो कि पैसा देने में अच्छा, अभी लोग कहते हैं कि अगर गुरु को दक्षिणा देने की भी उनके पास क्षमता नहीं थी, उन लोगों को आपने ऐसा क्यों चूज किया जिसके पास कुछ नहीं था? अरे आप ही सबसे बड़े उदाहरण हैं, आपने क्यों चूज किया। बहुत लोग अपने जीवन से हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, लेकिन आप जैसे लोग एक उदाहरण प्रस्तुत करते। उसी तरह से हमने भी सोचा कि भाई हम खुद नहीं जा पाए कैम्ब्रिज पैसे के अभाव में, और अब तो फिल्म के माध्यम से लोग कहानी जान चुके हैं, तो इसलिए वैसे ही बच्चों को सेलेक्ट किया जो हमारे साथ रहे और पढ़े और घर में रहे। माताजी खाना बनाती हैं, भाई देख रेख करता है, और साथ साथ ऐसे बच्चों को लिया जिनके पास कोई सुविधा नहीं है, कोई संसाधन नहीं, चाहे वो एक मजदूर का बेटा हो या तो ऑटो ड्राइवर का बच्ची हो या कोई भी हो, जिसके पास सुविधाएं नहीं है लेकिन जिसके पास ताकत है कुछ अच्छा करने की, उसको हम लोग अपने साथ रखते हैं। गर्व होता है ऐसे लोगों से मिलकर, गर्व होता है कि पूरा भारत ही नहीं पूरा विदेश तक लोग जानते हैं कि कौन है कैसा। सर ऋतिक रोशन एक अगर देखा जाए तो भारत के गौरव में लिखा जाता है कि ऋतिक रोशन, उनसे कैसे मतलब? ऋतिक रोशन जी की इच्छा हुई, हमारे फिल्म का स्क्रिप्ट तैयार था, राइटर लिखे हुए थे, तो उनकी इच्छा हुई कि भाई हम आनंद कुमार से मुलाकात करें। मुलाकात हुई तो बहुत खुश हुए और कहे, हालांकि कई कलाकार चाहते थे फिल्म बनाना, ऋतिक जी में वैसे ही जज्बा देखा जिस तरह से जितेंद्र दिव्यांग में देखा। तो दोस्तों मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर आप में जज्बा है, कुछ करना चाहते हैं, तो अपनी परिस्थितियों का रोना न रोएं, बल्कि जीवन में आगे बढ़े। और जितेंद्र जी, आज मेरा इंटरव्यू नहीं हो रहा है, हमारे छोटे भाई जितेंद्र जी का इंटरव्यू है, इनका उदाहरण ले, हमारा उदाहरण तो आप कई बार देख चुके हैं। तो देश में, दुनिया में हर लोगों को कभी अपने परिस्थितियों पर रोना नहीं रोना चाहिए, अपनी लाचारी, बेबसी, मजबूरियों का वास्ता देख के रुकना नहीं चाहिए, बल्कि हौसला बढ़ा
बढ़ा के आगे बढ़ते रहना। सही कहा सर, और आप जैसे लोगों से कभी एडमिशन नहीं होता था, तो आप जैसे लोगों से सीखना होता था कि यार एडमिशन नहीं होगा, लिखूंगा कैसे, लेकिन लोगों ने सिखा दिया। लोग कहते हैं ना कि पेट का भूखा और जेब का जो टूटा हुआ, यही चीज़ें दो चीज़ सिखा देती है सर। पेट का भूखा जेब का टूटा से भी बड़ी बात है कि दिल का मजबूत होना। ये बहुत दिल के मजबूत इंसान हैं। मैं देखा इनका YouTube पर कि कैसे मोटरसाइकिल चला लेते हैं, साइकिल चला लेते हैं, लिख लेते हैं। बहुत लोग तो बड़ी उम्र में साइकिल भी नहीं चला पाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन जहां डर है उसके आगे अगर आप बढ़ते हैं तो जीत है। ये बहुत पुरानी कहावत है, इसको जितेंद्र जी ने दिखाया है सिद्ध करके। तो मैं चलते चलते आखिरी में यही कहना चाहूँगा कि मैं जितेंद्र जी को प्रणाम करता हूं, और हमारा सौभाग्य है, मैंने बहुत चैनल को इंटरव्यू दिया, डिस्कवरी, अल जजीरा, BBC, बहुत चैनल को, लेकिन आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जितेंद्र जी के चैनल पर आप लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सच्चाई में कभी नहीं सोचा था कि सर आप हमसे मिलेंगे, और आज मिलकर लाइव सवाल मैं करूँगा सर, आज हमारे जैसे दिव्यांग मिलकर, तमाम हम भी इसी समाज से आते हैं, लेकिन यही समाज है जो आप जैसे लोग जितना सोच लेते हैं, यही समाज है कि उनको भिन्न नज़रों से देखता है और दूर हटा देता है। आपने मुझे गले लगाया है जितेंद्र, कहीं ना कहीं आज डबल ऊर्जा के साथ फिर से एक अलग इतिहास, इतिहास नहीं जितेंद्र भूगोल लिखेगा, वो भी आपको देख कर लिखेगा सर, क्या चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा पूरा विश्वास है जिस तरह से आपका उत्साह है, आपका चैनल बहुत मशहूर होगा और इसको देश नहीं बल्कि विदेश में भी लोग देखेंगे, इससे प्रेरणा लेंगे। हर दिव्यांग नहीं, जो जिसके हाथ पैर सब सही सलामत है, वो भी आपसे सीखेंगे और आने वाले टाइम में आपको एक आदर्श पुरुष के रूप में लोग जानेंगे। थैंक यू सर, आपने कीमती समय जो दिया। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों।